एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की खातून मुलाजिम को भारतीय गाने पर नाचने की वीडियो अपलोड करना महंगा पड़ गया। खातून एहलकार की 2 साल की सर्विस जब्त कर ली गई। एएसएफ मुलाजमीन के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी भी लगा दी गई। हमजा शहबाज को फिर बुलावा। साफ पानी स्कैंडल में नैब का लीगी रहनुमा को एक मरतबा फिर तलब करने का फैसला। हमजा शहबाज इससे कबल इसी केस में 18 मई को पेश हो चुके हैं। सदारती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, तीनों उम्मीदवार खुद को काबिल कहते हैं। हम अपनी कारकर्दगी पर खड़े हैं, फैसला अवाम ने करना है। नवाज शरीफ को अवाम के दिलों से निकालना मुश्किल है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले बल्दियाती निजाम को खत्म करने के असबाब भी होने चाहिए। वसाइल की कमी के बावजूद लाहौर के काफी मसाइल हल किए। सदारती इलेक्शन, सियासी सरगर्मियों ने सियासी पारा हाई कर दिया। तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली के तमाम अरकान को आज शाम तक लाहौर पहुंचने की हदायत। नामजद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सरदार उस्मान बुजदार आज रात मेंबरान असेंबली के एजाज में इशारिया भी देंगे। तमाम मेंबर वोट कास्ट करेंगे। चौधरी सरवर। मुस्लिम लीग नून भी मुतहरक। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ने सूबाई पार्लिमानी इजलास तलब कर लिया। अरकान को शाम 7 बजे पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन बुला लिया गया। अरकान को डिसिप्लिन में रहने और मौलाना फजल रहमान को ही वोट देने की हदायत की जाएगी। जराए एतजाज एहसन की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी का भी पूरा जोर। आज हसन मुर्तजा की सदारत में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। एतजाज एहसन ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे हसन मुर्तजा। सदारती इलेक्शन में जोड़ तोड़, काफ लीग भी किसी से पीछे ना रही। चौधरी बिरादरान की अराकीन असेंबली से मुलाकातें जारी। पीटीआई उम्मीदवार को 25,000 अराकीन के वोट इजाफी पड़ने का इम्कान। जराए सूबाई वजीरे मेहनत अंसर मजीद नियाजी ने पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम के बिलियन ट्री मंसूबे की कामयाबी के बाद इस मुहिम को भी कामयाब बनाएंगे अंसर मजीद नियाजी। और शहर का मौसम अचानक पलट गया, बादलों के डेरे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स की छुट्टी, शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।